सबको। और आज है माता अष्टमी का त्योहार है, आज अष्टमी का नवरात्रा है, जिसमें आज हम कन्या बिठाएंगे और अपनी माता रानी को विदा करेंगे। इतने दिन घर पर नवरात्रे होते हैं, माता घर पर आती हैं, और जो आज जब हमें विदा करना होता है तो मंदिर भी खाली खाली हो जाता है और कीर्तन नहीं होता तो दिन भी खाली खाली हो जाता है। तो हमारे यहाँ हो गई हैं तैयारियाँ। जैसे आप पीछे देख रहे हो, मेरा सारा सामान बन चुका है। हलवा, पूड़ी, छोले, भिलिया, आलू की सब्जी, और अंश लेकर आया है कन्याओं के लिए इतनी प्यारी प्यारी प्लेटें किट्टी की। हेलो किटी। तुझे ये अच्छी लगी? बहुत अच्छी लग रही है। कन्याओं को हम देंगे इस बार ये वाली किट्टी। भी हाँ, ये मल्टी कलर की है नीचे। लेकिन पता है मल्टी कलर में क्या होता है, अब जब सब कन्याएं आएंगी ना, कोई कहेगी नहीं मुझे तो पिंक ही चाहिए, मुझे तो पर्पल ही चाहिए, तब बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है। इसलिए मैं चाहती हूँ एक ही कलर की आया करें। और तन्मय भी लाया है कन्याओं के लिए कुछ खाने पीने का सामान। दिखाती हूँ मैं तन्मय क्या लेकर आया है। प्लेटें लगनी शुरू हो गई हैं हमारी कन्याओं की। ओहो, इसमें मैं हलवा डालना ही भूल गई। एक में इसमें हलवा ही नहीं डाला। और अंश कर रहा है इधर हवन की तैयारी। उसके पापा किचन में गोला छील रहे हैं। सब अपने अपने काम में लगे हैं। तन्मय कन्याओं को बुलाने गया है। मम्मी जी पूजा की तैयारी कर रही हैं। मैं प्लेट्स लगा रही हूँ। सब चीजें चल रही हैं। प्लेट्स बहुत सुंदर लग रही हैं अंश। आपकी चॉइस अच्छी है। चॉइस के मामले में आप अपनी माँ पर गए हैं। चलो जी, हमारी कंजके भी रेडी हो गई हैं। कंजकों की प्लेटें बस अब पूजा करके हवन करते हैं। और हाँ, ये तन्मय लाया है कंजकों के लिए। सब कन्याओं को एक एक गिफ्ट दे रहे हैं उसे। बड़ी सुंदर लगती हो जब शेर पियाती हो। माता जी हमेशा एक ही डंडी वाला फूल जरूर आता है जब मैं माता के फिर यहाँ पर आती हूँ। पीछे हो, पीछे थोड़ा जा पीछे। जागेगी सारी रात मंदर विच आरती जयमाया जोता वाली आरती जयमा जमू है दाराजा जुग जुग जीवे तेरा जमू है दाराजा भवन बनाया मंदिर विच आरती तुम्हारा घर से हैं तेरे भवन नाल जो चले आवे आस मुराद सभी हो पावे निराश लौट कर कभी न जावे यही ख्वाहिश हम करते जय 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 जगतानी नमस्कार हम करते माँ पापी अज्ञानी सारी शरण आपकी पढ़ते हैं माँ पापी अज्ञानी सारी शरण आपकी पढ़ते हैं की भागम भागी है। इसके बाद मेरे घर आना है। ओके, जल्दी से फटाफट वीर आप भी आ जाना। हम यहीं खड़े हैं। नहीं, पहले मेरे घर आना है। अरे मेरे पास है, मैं तुझे दे दूंगा। ये कितने पर्स है तेरे? कितने अनिका, कितने पर्स मिले हैं तेरे को? कितने पर्स? 1 2 3 थ्री है, थ्री। और सारे सब में मनी है, पैसे भरे हुए हैं सब में। ओहो, जल्दी बैठ कर आ कन्या, फिर मेरे घर आना। आए हाय, आ जाओ। छोटी सी कंजक आ रही है, अपने आप आ रही है। आओ आओ माता रानी, आओ भैया। माता रानी पूरी हलवा तो खाएंगी नहीं, इनके लिए दूध का इंतजाम किया जाए। आओगे अब? आओगे? जय माता दी, जय माता दी। वेरी गुड। ओए हाथ जोड़ रही है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। कन्याओं का प्रवेश हो गया है, कन्याओं का प्रवेश हो गया है। बैठिए जी, बैठिए, जहाँ जगह मिलती है बैठिए। जय माता दी, जय माता दी। प्लेटें लेकर आओ। जय माता दी, सारे बोलो।
इसको बांधते हुए दिखा। क्या निका, क्या पैकेट खुला हुआ है? तो खाना ही तो है। चलिए आशीर्वाद 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 कन्याओं का आशीर्वाद आशीर्वाद। जय जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बैठी गई चलो जय माता दी। हाँ करो पहले सारा भर दो। वैसे बहते हुए पानी में करते हैं क्षेत्री माता को ना विदा, बहते हुए पानी में नदी तालाब, लेकिन और अच्छे से मट्टी करो उधर से सारी, उधर से करो, तो इसलिए हमने यहीं पर ही पानी गड्ढा करके उसमें पानी डाल दिया, हमने इसको ही नदी का रूप दे दिया। हो गई मेरी माता रानी की विदाई और मंदिर खाली खाली सुना सुना हो गया मंदिर। और हमेशा नवरात्रों में ऐसा ही होता है कि 9 दिन पता नहीं चलते कहाँ चले जाते हैं, और जब माता जाती हैं तो घर बहुत सुना सुना हो जाता है, बट फिर हम आज से ही इंतज़ार करने लग जाते हैं अगले नवरात्रों का। एंड आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।